ख्वाजा रहमतुल्लाह अजमेर जून 2023 मज़ार के जस्ट पीछे मस्जिद और ये सैयद हज़रत ग़रीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ। जून का महीना चल रहा है लेकिन फिर भी यहाँ गर्मी कम है और ज़ायरीन आपको यहाँ पर अभी भी काफ़ी मिलेंगे। और ये देखें आप मदीना शरीफ की तरह यहाँ पर भी वैसी छतरियाँ लगाई गई हैं जैसे कि मदीना शरीफ में धूप से बचने के लिए लगाई जाती हैं। फूलों की दुकान दरगाह के अंदर और एक नहीं काफ़ी सारी मिल जाती है। पेड़ भी गिर गया और जो पेड़ के पत्ते वो भी झड़ गए और कलियां भी गायब। यहाँ खादिम दो कब्रें हैं ये देखें। तो काफ़ी अंदर तक बने हैं ये पूरी फूल और उधर कव्वाली प्रोग्राम। जब भी अजमेर आए तो यहाँ पर पॉकेट मार जेब कतरों से सावधान रहें। तो यहाँ पर जो जेब कतरे होते हैं उनसे अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि यहाँ के जेब कतरे बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। आपकी जेब साफ हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ख्वाजा ग़रीब नवाज़ की बीवी की मज़ार ये मस्जिद और देव बड़ी देव आपने देखा कि देव में कितना पैसा। वहाँ देव में पैसा चावल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सामने बड़ी मस्जिद रात के बजने वाले हैं 11 और भीड़ यहाँ पर अभी भी। ये मस्जिद सामने वो गुंबद काफ़ी दूर से आए हुए लोग रात यहीं गुजारेंगे। बड़ी बेहतरीन हवा चल रही है, बहुत ही ठंडी हवा।
ये सामने देव रखी है जिनमें लंगर का खाना बनता है। तो अभी मैंने इसके बारे में मालूम किया तो ये करीब 5 साल पहले टाटा कंपनी वालों ने इसको लगवाया था और इसको बिल्कुल मदीनी शरीफ के जैसा ही बनवाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ये वैसे नहीं बन पाया। तो ये जो छतरी हैं ये फिक्स हैं बिल्कुल, मतलब ये फोल्ड नहीं हो सकती। रात के बज चुके हैं 11:30 और यहाँ पर भीड़ में अब कुछ कमी हो चुकी है। बड़ी खूबसूरत गुंबद, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। दरगाह पर ये गेट है, ये काफ़ी पहले बंद हो चुका है और रात में इसको जल्दी बंद कर दिया जाता है, लगभग 10 या 10:30 बजे तक इसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन मेन गेट रात भर ओपन रहता है। आज है जुमेरात की रात तो काफ़ी भीड़ है। हो रही सामने देव मस्जिद। दरगाह के बंद होने का टाइम होने वाला है, बस थोड़ी देर बाद ही दरगाह का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। दरवाज़ा बंद हो चुका है